आज हम बना रहे हैं मक्की की पूड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साग के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। ये बहुत ही सॉफ्ट सी बनी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको साग की रेसिपी बताई थी और इस बार मैं इसके साथ का पूरा कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि मक्के की पूड़ी कैसे बनेगी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। मक्के की पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ एक कटोरी मकई का आटा ले रही हूँ। इसे मैंने पहले से साफ कर लिया था और ये दुबले हुए आलू हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये कुछ पुदीने की पत्तियाँ हैं जिसे बारीक काटा हुआ है। यहाँ पर आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ अजवाइन डाल रही हूँ और ये एक बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड तेल का डाल दिया है मोइन के लिए और साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्का सा नमक भी डाला है। इन सब चीज़ों को मैं हल्का गुनगुना पानी लेकर इसे मिक्स करूँगी। पानी बहुत ही हल्का डलेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आलूओं में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो पहले आप हाथ से इसे यूँ मिक्स करके देख लें, अगर अच्छे से बाइंड हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक दो चम्मच गर्म पानी के इसमें थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और एक आटा इसका तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। और पानी ज़रूरत के हिसाब से लेते हुए आटे को हम मिक्स करेंगे। ये आटा हमारा अच्छे से लगकर तैयार हो गया है, इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो पूरियाँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आटा लें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और एक इसका एक गोल पेड़ा बना लेंगे हाथ से थोड़ा आटे को मैश करते हुए, और जितनी बड़ी हम पूरी हाथ से फैला सकते हैं हम इसे फैला लेंगे। और डस्टिंग के लिए सूखा आटा डालकर बहुत ही हल्के हाथ से बेलन को चलाना है। यहाँ हमने बेलन ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये आटा आटे की पूजो ये मक्के के आटे की पूरी है ये फट सकती है। और एजेस इसके हम हाथ से साइड से बंद कर देंगे तो यूँ एक पूरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की पूरियाँ भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हाथ से दबाते हुए किनारे हम इसे थोड़ा फैला लेंगे और डस्टिंग करके सूखे आटे की बहुत ही हल्के हाथ से बेलन को हम यहाँ चलाते जाएंगे और अपनी पूरी थोड़ी बड़ी कर लेंगे। यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम पूरियाँ तलना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये पूरी हमारी एक तरफ से फूलनी शुरू हो जाएगी तो हमने इसे बहुत ही हल्के हाथ से पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हम इसे ऐसे ही सुनहरा लाल कर लेंगे। और बस इस तरह से हमारी ये मक्के की पूरी बनकर तैयार है। और इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी पूरियां भी तलकर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी मक्के की मज़ेदार सी पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। गर्मा गर्म पूड़ी और साथ में साग का कम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।